वेलकम टू एन एकेडमी। रेस्पिरेटरी डिजीज के पोर्शन पे जाने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा फिर से रिव्यू कर लेता हूँ। रेस्पिरेटरी डिजीज होती क्या है? जब हमारी बॉडी के अंदर कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन, फॉर एग्जांपल अगर बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो ये सब तीनों, जैसे मैंने बताया बैक्टीरियल, वायरल या फिर कोई एक्सटर्नल एक्सीडेंट, ये सब की सब पैथोलॉजिकल कंडीशन कहलाती है। तो इन पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से यदि हमारी बॉडी गैस एक्सचेंज नहीं कर पाती है, गैस एक्सचेंज किससे करेगी? बॉडी एटमॉस्फेयर के साथ और एटमॉस्फेयर बॉडी के साथ। तो ये अगर गैस एक्सचेंज प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है तो हम उन सभी कंडीशंस को क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी डिजीज कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर हमारी बॉडी के रेस्पिरेटरी ऑर्गन अफेक्ट होते हैं। कौन से? ब्रोंकिया हुई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोई, ट्रेकिया, ये सब कुछ मेजर ऑर्गन्स हैं जो अफेक्ट होते हैं। तो अब हम इन सभी डिजीज में से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिजीजेस थी, आज हम उसमें से कौन सी पढ़ेंगे? अस्थमा के बारे में हम जानेंगे कि अस्थमा एक्चुअल में क्या है। तो अस्थमा पढ़ने से पहले हम कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं कि जिनके अंदर हम अस्थमा की क्लासिफाइड स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अस्थमा की डेफिनेशन के बारे में, उसके बाद में कॉज एंड एटियोलॉजी के बारे में, रिस्क फैक्टर के बारे में, उसके बाद में हम अस्थमा के टाइप्स जानेंगे, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे जिनको हम साइन एंड सिम्टम्स भी कहते हैं, लक्षण कहते हैं जिनको हिंदी में, फिर हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी उसकी, उसके बाद में डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, मतलब हम अस्थमा को कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं, लास्ट में हम देखेंगे उसका मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट, मतलब हम अस्थमा को कैसे ट्रीट कर सकते हैं यदि किसी पेशेंट के अंदर अस्थमा हो जाए तो। इसके अंदर हम मेडिकल मैनेजमेंट और इंटरवेंशंस को पढ़ेंगे। तो अस्थमा की डेफिनेशन जानने से पहले मैं एक बार फिर से यहां बता दूं थोड़ा सा इन दोनों पॉइंटों को हाईलाइट करते हुए कि कॉज और रिस्क फैक्टर में क्या फर्क होता है। कॉज तो ये वो फैक्टर होते हैं, कॉज फैक्टर तो वो फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से निश्चित रूप से अस्थमा किसी भी पेशेंट के अंदर होगा, और रिस्क फैक्टर वो सब फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से, ये जरूरी नहीं है कि यदि रिस्क फैक्टर किसी पर्सन के अंदर प्रेजेंट है तो उसको निश्चित रूप से अस्थमा होगा। उसमें चांसेस हो सकते हैं, कुछ एक चांसेस 20% चांस हो सकते हैं कि यदि रिस्क फैक्टर को ध्यान में नहीं रखा गया तो वो पर्टिकुलर डिजीज हो सकती है, यद्यपि वो डिजीज नहीं।